इंदौर की खुशराना पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए एक महिला को 20 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई ब्राउन शुगर की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र की वेलोसिटी के पास एक महिला ब्राउन शुगर किसी को देने के लिए खड़ी हुई है, जिस पर थाना प्रभारी दिनेश वर्मा द्वारा तुरंत एक टीम गठित कर महिला को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसकी तलाशी लेने पर 20 ग्राम ब्राउन शुगर पुलिस ने जब्त की है, जिसकी अंतर्राज्यीय कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं महिला से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई, जिससे महिला ने अपना नाम रूबीना उर्फ रानी होना बताया है, जो कि आजाद नगर की रहने वाली है। वहीं महिला रूबीना से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है कि यह ब्राउन शुगर कहां से लाई थी और किसे देने के लिए यहां पर खड़ी हुई थी। ये वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में हम लोग के द्वारा लगातार थाना खजराना क्षेत्र में जो नशे के कारोबारी हैं, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और उसी दौरान हमारी टीम को सूचना मिली कि आजाद नगर की निवासी है महिला रूबीना रानी, और ये ब्राउन शुगर लेकर किसी को देने के लिए, सप्लाई करने के लिए खड़ी है। तो वेलोसिटी टाकीज के पीछे हमारी टीम ने घेराबंदी करके इसको पकड़ा और इसके पास से 20 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है। क्या कीमत होगी? ब्राउन शुगर की अंतर्राष्ट्रीय कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी 10 से 15 लाख की कीमत है इसकी। और महिला से भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, ये किसी और महिला से लाना बता रही है, सोनू नाम की महिला, लेकिन उसके बारे में और जानकारी नहीं दे रही है। काफ़ी पूछताछ करने पर अभी हम लोग इसका पुलिस रिमांड लेकर और इससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करेंगे और पता करेंगे कि कहां से इसकी चेन है। सर, यहां किसको देना आई थी? अभी इस बारे में इसने जानकारी नहीं दी है। इसका कहना है कि सोनू नाम की महिला ने मुझे बोला था कि वहां तो उससे कोई मिलने आएगा और उसको ये पुड़िया दे देना, लेकिन इसकी बातों में अभी काफ़ी पेंच है और अभी हम लोग उसको सॉल्व करेंगे।